हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूं मैं अरुणेश आर्य। इंडियन हिस्ट्री का शुरुआती टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। शुरुआत में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जो है आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री का, यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें नहीं पता लगा था, तब तक जो है इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती थी। ब्रिटिश काल में इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती थी, लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी मिली तो पूरे वर्ल्ड के सामने ये बात साफ हो गई कि इंडियन हिस्ट्री जो है वैदिक काल से नहीं शुरू होती। इंडियन हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे भी पहले से शुरू होती है। यानी विश्व की ऐतिहासिक संस्कृतियों में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता का मेल जोल उन सभ्यताओं के साथ में भी था। यानी ये बात प्रूव हो गई कि सिंधु घाटी की सभ्यता के वजह से और उसकी पूर्व संस्कृतियों की वजह से भारतीय इतिहास वैदिक काल ही नहीं मौजूद था, भारतीय इतिहास में विकसित सभ्यता मौजूद थी। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में जिस प्रकार की हमें जानकारियाँ मिली हैं उससे ये पता लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में विकसित सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता भी एक सभ्यता थी। और इसका विकास किन किन क्षेत्रों में था, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत हम देख लेते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी में सबसे पहले आप देख लीजिए पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको नज़र मारना होगा कि पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है। यानी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें जिन जिन सोर्सेस से मिलती है उन सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है हम इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। यानी किसी भी इतिहास की जानकारी हमें या तो रिटर्न सोर्सेस से मिलती है, उस समय के जो लेख मिल जाते हैं, साहित्यिक लेख मिल जाते हैं, उसको पढ़कर हम उस काल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा जो है हमें उस समय की वस्तुएं मिलती है जिससे हमें जानकारी मिलती है। उस समय के सिक्के मिल गए, उस समय के लिखे हुए लेख मिल गए, उस समय की वस्तुएं मिल गई और उनको जोड़ तोड़ कर जो है हम पता लगाते हैं कि उस समय के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी, और उसी आधार पर जो है इतिहास को बांट दिया जाता है। यानी सबसे पहला स्रोत है लिखित स्रोत, दूसरा स्रोत है वस्तुएं, और पहला स्रोत और लिखित स्रोत जो है और वस्तुएं जो हैं, अगर जो किसी काल में इन दोनों से हमें जानकारी मिलती है तो उस काल को हम भारतीय इतिहास में बोलते हैं ऐतिहासिक काल। यानी जिस काल से रिटर्न सोर्सेस और उस समय के साहित्यिक सोर्सेस और इसके अलावा जो है उस समय के पुरातात्विक सोर्स यानी खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उससे और लिखित स्रोतों से दोनों सोर्सेस से जानकारी मिल रही है तो उसे हम बोलेंगे ऐतिहासिक काल। और जिस काल की जानकारी ना तो हमें रिटर्न सोर्सेस से मिलती है और ना ही जो हमें वस्तुओं से मिलती है, वस्तुओं से मिल भी रही है तो वो काल्पनिक मानी जाती है क्योंकि वो पूर्ण जानकारी नहीं देती, तो उसे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोल सकते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोल सकते हैं और ऐतिहासिक काल जो है उसको हम हिस्टोरिकल पीरियड बोल सकते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल जिसकी जानकारी ना तो रिटर्न सोर्सेस से मिलती है और ना ही जो है हमें उस समय की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से मिलती है तो उस काल की जानकारी हमें दोनों सोर्सेस से नहीं मिलती, कल्पना पर आधारित काल है, उस काल को हम बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और जिस काल की जानकारी हमें सिर्फ रिटर्न सोर्सेस से मिलती है और या फिर जो है केवल वस्तुओं से मिलती है जो खुदाई में प्राप्त हुए थे तो उसे हम बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और जिस काल की जानकारी हमें दोनों सोर्सेस से मिल रही है, खुदाई से और लिखित सोर्सेस से, तो उसे हम बोलेंगे ऐतिहासिक काल। उस आधार पर इंडियन हिस्ट्री को हम तीन पार्ट से बांट देते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल जो है
इसका टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड है, और इस काल को हम 1 लाख से 5 लाख भी बोल सकते हैं, 10 लाख भी बोल सकते हैं, यानी इसको पीछे हम कितना भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये काल जो है कल्पना पर आधारित काल है। इस समय जो हमें पत्थर के औजार मिले हैं वो हो सकता है पत्थर के औजार हो, और या फिर वो हो सकता है पेबुल हो। पेबुल किसको कहा जाता है, तो ऐसे पत्थर जो नदियों की घाटियों के आसपास मिलते हैं और नदियों के पानी के संपर्क में आने की वजह से हजारों सालों में अपना आकार बदल लेते हैं, और उस आकार बदले हुए पत्थरों को हम पेबुल बोलते हैं। तो हम पूर्व ऐतिहासिक काल की जानकारी जो है जितनी भी हमें मिलती है वो पत्थर के औजारों से मिलती है। तो आज की डेट में जिसे हम पत्थर के औजार समझ रहे हैं, हो सकता है वो पेबुल हो, यानी नदियों के पानी के संपर्क में आने की वजह से उन पत्थरों ने अपने आकार चेंज कर लिए हो। तो इस वजह से, क्योंकि वो कल्पना पर आधारित काल है, तो उसे हम बोलेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल। और पूर्व ऐतिहासिक काल की पृष्ठभूमि 1 लाख से शुरू कर सकते हो, आप 5 लाख से शुरू कर सकते हो, लेकिन ये पूर्व ऐतिहासिक काल 2500 ईस्वी पूर्व तक जो है आधारित है। और दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हमें जानकारी केवल एक सोर्स से मिलती है, या तो रिटर्न सोर्स से मिलती है, और या फिर जो है हमें जानकारी मिलती है खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है इंडियन हिस्ट्री में जो खुदाई और लिखित सोर्सेस से जानकारी देता है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन, या जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है वैदिक काल। ये जो दो टॉपिक आप देखते हो इसको हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें रिटर्न सोर्सेस से नहीं मिलती, केवल उस समय की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से मिलती है, और खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से इसकी लगभग पूर्ण जानकारी मिल जाती है। और वैदिक काल जो है इसकी जानकारी खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से लगभग नहीं मिलती, केवल वेदों से लिखित सोर्सेस से मिलती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक जो है इंडियन हिस्ट्री में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखे जाते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखे जाते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में, वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत आता है। और इसमें हम दो टॉपिक करते हैं, हड़प्पा और वैदिक काल, ये दोनों के दोनों प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में है। और थर्ड जो है आपका हिस्टोरिकल पीरियड ऐतिहासिक काल, इसकी जानकारी दोनों सोर्सेस से मिलती है, यानी लिखित सोर्सेस से भी मिल रही है, और इसके अलावा जो है खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से भी मिल रही है। इस वजह से अब तक का जो टाइम पीरियड है, हम 2020 तक का, आज तक का टाइम पीरियड जो है, इसकी जानकारी हमें दोनों प्रकार से मिल रही है, और इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये तीन पोर्शन में डिवाइडेड है इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है सांस्कृतिक तौर पर, वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू हो जाता है। इस वजह से हम इस ऐतिहासिक काल, सॉरी, इस हड़प्पा सभ्यता की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, क्योंकि ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से, सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है। तो लेट अस स्टार्ट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। बहुत से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए नहीं, आप अपने नॉलेज के लिए भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे कल्चर में सबसे पुरानी सभ्यता है। आज का जो समाज है वो हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी मिलता जुलता था। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस सभ्यता ने विश्व में सबसे पहले दी थी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्या फीचर्स हैं इस सभ्यता के। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए ये सभ्यता कहाँ और किन क्षेत्रों में पनपी थी। तो मैप आपके सामने है,
और इस मैप के अंतर्गत आप देख सकते हो कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, उत्तर पश्चिम जो हिस्सा है, उस क्षेत्र में जो है ये सभ्यता पनपी थी, इन हिस्सों में ये सभ्यता पनपी थी। और खास बात ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी से पूर्व सिर्फ हम ये सोच सकते हैं कि पृथ्वी अपने अंदर इतनी विकसित सभ्यता को दबाए बैठी थी, और जब इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली तब हमें पता लगा कि हम कितने विकसित समाज में रहते थे उस दौरान, क्योंकि विश्व में सबसे विकसित सभ्यता, सबसे पहली विकसित सभ्यता आप हड़प्पा सभ्यता को बोल सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोल सकते हो। इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं, इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चार नाम इसके लिए प्रचलित है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज मेटेलिक सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन इसमें सबसे पहला बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का उचित नाम क्या हो सकता है, तो ये चारों ऑप्शन उसमें आ जाते हैं, जिसमें आपको टिक करना होगा हड़प्पा सभ्यता। क्यों हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि जब कोई अज्ञात सभ्यता मिलती है, अननोन सिविलाइजेशन मिलती है, तब जिस स्थल, जिस प्लेस की जानकारी और जिसमें खुदाई सबसे पहले शुरू होती है, तो उस सभ्यता का नामकरण उसी नाम पर कर दिया जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता का उचित नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन होना चाहिए। और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया, इसके ऊपर भी विचार है, ये भी एक पॉइंट है। और ये पॉइंट इस वजह से है क्योंकि शुरुआत में जितने भी इसके स्थल मिले थे, ज़्यादातर वो सभी के सभी सिंधु नदी के आसपास में मिले थे, इस वजह से इसको सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई, तब बहुत से ऐसे स्थल मिले जो सिंधु स्थल के बाहर भी थे, अफगानिस्तान, आजकल का जम्मू कश्मीर, आजकल का पंजाब, आजकल का हरियाणा, आजकल का राजस्थान, आजकल का गुजरात, इन सभी हिस्सों में सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल मिले। इन सभी को सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल इस वजह से बोल सकते हैं क्योंकि लगभग इन सभी हिस्सों में वैसी ही चीजें मिली जो सभी सिंधु स्थलों में मिली हैं, तो इस वजह से बाद में नाम दे दिया गया इसको हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले 1921 में पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, इस वजह से इसको ऐतिहासिक दृष्टि से हम नाम दे सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। तो आप इसका विस्तार इस मैप में देख सकते हैं, बड़े ध्यान से इसको देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं और आए हुए हैं। खास बात आप देख सकते हो कि आजकल का पाकिस्तान, आजकल के अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत के हिस्सों में इस सभ्यता का विस्तार था। और ये है मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट पर, सॉरी सिंधु नदी के तट पर, और ये है हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा राजस्थान में, और इधर पंजाब में रोपड़। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसे कहा जाता है ट्रायंगल शेप की सभ्यता, एक त्रिभुज आकार की सभ्यता इसे कहा जाता है, त्रिभुज आकार की सभ्यता के नाम से इसको पुकारा जाता है, ट्रायंगल शेप की सभ्यता इसे कहा जाता है। टोटल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था, टोटल 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। महत्वपूर्ण सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार क्या था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार त्रिभुज आकार था, इसका टोटल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था। आजकल के अफगानिस्तान में, आजकल के पाकिस्तान में, आजकल के स्वतंत्र भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता का विस्तार था, और इसी वजह से इसको भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पनपी सभ्यता मानी जाती है। विकसित इस वजह से इसे कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड में पहली ऐसी सभ्यता जो नगरीकृत सभ्यता थी,
जहाँ पर डेवलप सिटीज मिलती हैं और उसमें ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, जल निकासी व्यवस्था मिलती है। और सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो हम बोल सकते हैं इसकी नगर योजना, इसकी टाउनशिप जो प्लानिंग थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी इसके फीचर्स में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर योजना थी, और उस नगर योजना में टाउनशिप प्लानिंग में क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो हम बोल सकते हैं जल निकासी व्यवस्था, यानी इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में, सबसे पहले कॉटन का यूज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इतने बड़े पैमाने पर धातुओं का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता ने किया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। गेमिंग के लिए, खेल के लिए पासा यानी शतरंज, लूडो, मार्बल जो कंचे जिसे हम बोलते हैं, उन सभी का खुदाई में जो जानकारी मिल रही है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिल रही है। इस वजह से हम इसे एक विकसित सभ्यता का रूप दे सकते हैं, विकसित सभ्यता के नाम से पुकार सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में विस्तार था, सिंधु घाटी की सभ्यता था। इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सभ्यता की जानकारी हमें मिली कहाँ से, कैसे कैसे हम इस सभ्यता तक पहुँचे। तो इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि 1826 में सबसे पहले एक अंग्रेज थे चार्ल्स मोसन, चार्ल्स मोसन नाम के एक ब्रिटिशर थे, और इन ब्रिटिशर ने 1826 में सबसे पहले हड़प्पा के आसपास कुछ टीले देखे थे, और उन टीलों से इनको सबसे पहले अंदाजा हुआ कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी सभ्यता है, ऐसी कुछ ईंटें भी मिली हैं जिससे यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ये जानकारी चार्ल्स मोसन के पास से गई थी कि हड़प्पा के आसपास कुछ ऐसे टीले मिल रहे हैं जो आजकल के पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में है, और वहाँ पर जो है इस टाइप के टीले मिले हैं, और वहाँ पर कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सभ्यता हो सकती है। और आने वाले टाइम में इसके लगभग 5 साल के बाद में 1831 में कर्नल बर्न्स नाम के एक ब्रिटिशर थे, और जब अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे उस समय के, इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, तो समझौते के लिए कर्नल बर्न्स जो है 1831 में महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए पंजाब गए थे, और जाते हुए उन्होंने हड़प्पा के आसपास वाले हिस्सों में, पाकिस्तान आजकल के पाकिस्तान वाले हिस्से में, इन्होंने कुछ टीले देखी, इन्होंने कुछ वहाँ पर वस्तुएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण की वस्तुएं मिली। तब दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ये जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण के टीले हैं और यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। इतिहास में ज़्यादा रुचि रखने वाले 1852-53 में अलेक्जेंडर कनिघम नाम के एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के आसपास के हिस्सों में जाकर जो है कुछ मुआयना किया, और उनको वहाँ पर कुछ ऐसी वस्तु मिली जिससे उनको लगभग ये बात तय हो गई कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है। और वापस दोबारा वो 1857 में फिर से वहाँ पर गए, और तीसरा उनका दौरा 1872 में था। तो लगभग 3 बार अलेक्जेंडर कनिघम उन हिस्सों में गए जहाँ पर आज की डेट में हमें पूरी सिविलाइजेशन मिल जाती है। तो ये शुरुआती ऐसे सोर्सेस थे जो जानकारी देते हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है। धीरे धीरे जो है हम उन हिस्सों तक पहुँचे जैसे कि हमें जानकारी मिल सकती थी। अलेक्जेंडर कनिघम लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के तौर पर आए थे, क्योंकि इन्होंने सुना हुआ था कि भारत में कभी सिकंदर ने आक्रमण किया था, और उस आधार पर ही आए थे। लेकिन इनको जो है यहाँ पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले, और कुछ जो वस्तुएं इन्होंने इनको मिली थी यहाँ पर,
उन्होंने 1872 में कलकत्ता म्यूजियम में रखवा दी थी। अलेक्जेंडर कनी